Hi my friends, welcome to my YouTube channel. This is Paresh Ranjan Raut. In this video, I'll explain about one of the most common network issues with VMware. All of the Linux distribution users, all of the Windows distribution users are facing the same issues. Most of the common issues, this is common issues like network issues we'll discuss. Okay. Definitely जो भी आप लोग देखा होगा पहले वॉलपेपर देख के समझ में आ गया होगा हम कौन सा इशू रिलेटेड आज बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं आज सैंडोस यूज कर रहा हूँ। मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 एडिशन यूज कर रहा हूँ, सैंडोस 8 एंड क्लाउडेरा। वो क्लाउडेरा बेसिकली होता है क्या, वो डाटा इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सैंडोस 8 आप लोगों को पता होगा, कॉमनली यूज होता है। लिनक्स एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है सैंडोस, तो मैं क्लाउडेरा यूज करता हूँ। वो भी बेसिकली सैंडोस बेस है, बट वो लो सैंडोस वर्जन है, बट हाई कॉन्फ़िगरेशन है एंड वर्जन लो है। वो सैंडोस जो है मैं बेसिकली प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ एंड वो मेरा काम के लिए यूज करता हूँ। मेरा जो भी डाटा इंजीनियरिंग का काम है उसके लिए यूज करता हूँ। तो वो तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो अब भी हम जो इशू हम फेस करते हैं नेटवर्क इश्यूज हमारा वर्चुअल मशीन पे, बेसिकली कॉमनली इश्यूज मोस्ट ऑफ द यूजर फेसिंग दैट सेम इश्यूज। ओके, इवन दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व ऑल्सो, एंड दे आर इन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब लॉट ऑफ वीडियो आर देयर, बट आफ्टर फॉलोइंग दोज वीडियो दे आर नॉट एबल टू डू ऑल्सो रिजॉल्व दैट इश्यूज। आई डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दिस मैटर। ओके, ऑन दिस सिनेरियो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू हाउ इट विल बी रिजॉल्व। फास्ट स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस ऑन डिटेल। ओके, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट फिक्स इट। तो फर्स्ट मैं गूगल को पिंग करूंगा, ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगा गूगल को पिंग करके। मेरा सिनेरियो पे तो गूगल पिंग हो रहा है, ठीक है। इवन मैं भी पहले वो इशू फेस कर रहा हूँ, अभी उसको मैं ट्रबल शूटिंग किया हूँ, ठीक है, ट्रबल शूटिंग वो इशूज किया हूँ। तो मेरे तरफ से हो रहा है इशू, रिजल्ट हो गया है। जो मैं फेस किया हूँ आज आप लोगों को उससे रिलेटेड सॉल्व कैसे करेंगे बताऊंगा। देखिए मेरा पिंग तो हो रहा है एंड जो भी है मैं एनएस लुकअप करूंगा डॉट गूगल का, तो मेरे मैटर पे वो सब कुछ चलेगा। तो मैं क्लाउडेरा भी करके दिखाऊंगा एंड आप लोगों को जो मेरा सैंडोस में यूज कर रहा हूँ उसको मैटर पे भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोनों मैटर पे भी मैं करके दिखाऊंगा। सैंडोस मेरा ओपन कर दिया मैं, तो टर्मिनल ओपन करेंगे। आप लोगों को पता होगा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम कमांड लाइन को टर्मिनल ही बोलते हैं, उसी का अंदर ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पिंग गूगल डॉट कॉम, ठीक है, मेरा मैटर पे तो पिंग हो रहा है। आपका मैटर पे जो इशू आया होगा अननोन डेस्टिनेशन इशू आया होगा, ठीक है। तो मैं एनएस लुकअप करूंगा गूगल, इसमें भी मुझे सक्सेसफुली सबको डिटेल्स मिलेगा, गूगल का ऑथेंटिकेशन, मेक एड्रेस, आईपी एड्रेस सब कुछ मिलेगा। आपका मैटर पे क्या इशू आप फेस कर रहे हैं मैं बता देता हूं। आपका मैटर पे जो आप इशू फेस कर रहे हैं वो इशू फेस कर रहे हैं, जो मैं इधर इनेबल करके दिखाता हूं। आप पिंग सपोज कर रहे हैं गूगल डॉट कॉम, इधर इशू ऐसा इशू फेस कर रहे हैं। एनएस लुक ऑफ करूंगा तो मैं गूगल को, इधर टाइम आउट एरर आएगा एंड इवन यू आर नॉट एबल टू डू पिंग ऑल्सो। If you are trying to do with ping commands, you are not successfully, not able to do. You are getting some errors like unknown host address. Okay, unknown host address, unreachable destination, connection timeout. I am facing also same issues, and it will be very easy to me. If I enable network, then definitely it will be work. But on this scenario, you are facing different type of issues, same issues but different setting. Even okay, I will discuss later. We'll discuss how step by step we'll follow and how it will be get fix it. Okay, definitely we'll discuss step by step. पहला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप में आपको आपका खुद का इंटरनेट चेक करना पड़ेगा। सपोज इफ यू आर यूजिंग वाई फाई अडेप्टर 1 एंड वाई फाई अडेप्टर 2, ऑन दिस मैटर फॉर मी आई एम यूजिंग 2 वाई फाई, वन माई इनबिल्ट वाई फाई अडेप्टर एंड सेकेंड वन इज आई एम एक्सटर्नल, आई हैव कनेक्टेड एक्सटर्नल वाई फाई अडेप्टर विथ माई सिस्टम। ओके, विथ माई सिस्टम, सो दैट्स वाई फॉर मी शोइंग 2 वाई फाई अडेप्टर, फॉर यू इट विल बी शो ओनली 1, इवन इट विल बी नॉट एबल टू शो, फॉर यू इट विल बी शो 1 ओनली। आई एम फॉर माई साइड शोइंग 2, नॉट एन इशू फॉर दैट
आई एम यूजिंग ओनली वन, इफ यू सर्च एज इफ यू आर यूजिंग ओनली वन वाईफाई अडैप्टर, ओके फॉर ऑन दिस सिनेरियो फॉर योर कनेक्शन शुड बी कनेक्ट एंड सिक्योर। इफ यू आर फेसिंग नो इंटरनेट इश्यूज यू आर नॉट एबल टू डू पिंग ऑल्सो, यू आर फेसिंग द सेम इश्यूज, ओके एंड ट्राई टू गेट इट फिक्स। योर वाईफाई कनेक्शन शुड बी कनेक्ट एंड सिक्योर, दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप रिमेंबर, ओके वो कनेक्ट होगा एंड सिक्योर लिखा होगा, इधर नो नो इंटरनेट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। तो नो इंटरनेट आपका इशू आता होगा तो पहले वो इशू रिजोल्व कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली इशू रिजोल्व हो सकता है आपका। उसके बाद सेकेंड मेथड पे हम जाएंगे, आपका इधर नो इंटरनेट पे जाएंगे, हम नेटवर्क अडेप्टर में जाएंगे, जो नेटवर्क ईथरनेट अडेप्टर एंड जो वाईफाई अडेप्टर होता है ना डिफरेंट डिफरेंट का, वो सब आपका एनेबल होना चाहिए। एंड वर्चुअल बॉक्स जो ऐसे डिजेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे डिजेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे एनेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सपोज डिजेबल होगा आप उसको एनेबल कर लीजिए, एंड उसका अंदर प्रॉपर्टी में जाके जो वर्चुअल बॉक्स इथरनेट में होगा उसको आप सब देख लीजिए, ऑप्टेन होना चाहिए, वो ऑप्टेन आईपी एड्रेस होना चाहिए। ऐसे मैनुअली कुछ आईपी एड्रेस टाइप होगा तो ठीक है ना, कुछ टाइप होगा तो आप उसको रिमूव करके ऑप्टेन कर लीजिए। एंड डीएनएस भी इधर ऑप्टेन होना चाहिए, ओके डीएनएस इधर ऐसा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, मैनुअली नहीं करना चाहिए, सब ऑप्टेन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डीएसपी के थ्रू हमको आईपी के थ्रू मिलेगा, सब कुछ इधर मिलेगा। तो ऐसे वो कुछ ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा आपको, उसको एनेबल करना पड़ेगा। एंड जो भी इथरनेट अडैप्टर उसको एनेबल कर लीजिए, ऐसे उसको डिजेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे उसको एनेबल कर लीजिए, डिजेबल होगा तो उसको एनेबल कर लीजिए, ठीक है। देखिए मेरा टू वाईफाई अडैप्टर शो कर रहा है, इसलिए वाईफाई वन वाईफाई टू शो कर रहा है, तो इन दिस मैटर पे आपका वाईफाई वन शो करेगा, वो वन को आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप वो है, थर्ड स्टेप है जो वाईफाई अडैप्टर पे जिस भी वाईफाई अडैप्टर में कनेक्ट होगा उसमें आपको डीएसपी के थ्रू एनेबल करना पड़ेगा आईपी, ऑटोमेटिकली ऑप्टेन नहीं होना चाहिए, वो है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप मिल गया आपको। तो जो फोर्थ स्टेप है, हम वर्चुअल मशीन का अंदर ही इश्यू हो सकता है, हाँ उसका इश्यू अभी रिजल्ट देखेंगे। आप इधर सेटिंग में जाके आपका जो नेटवर्क सेटिंग है, नेटवर्क अडैप्टर वन को हम फॉलो करेंगे। अडेप्टर वन में इधर जो अटैच टू इधर जो नेटवर्क कनेक्शन डिफॉल्ट नेट रहता है, आप इसको ब्रिज अडेप्टर रख लीजिए। ब्रिज अडेप्टर रखने के बाद आप जो नेटवर्क इधर जो अडेप्टर शो कर रहा है वो बहुत सारा मल्टीपल अडेप्टर शो कर सकता है, किसी किसी का एक भी शो कर सकता है, बट मेरा सिनेरियो पे मल्टीपल अडेप्टर शो कर रहा है, बिकॉज व्हाई, क्योंकि आई हैव मल्टीपल अडेप्टर। जैसे आपको मैं दिखाया, मेरे पास वाईफाई अडेप्टर, दो वाईफाई अडेप्टर में यूज कर रहा हूँ। देखिए इधर कनेक्ट शो नहीं कर रहा है, इधर कनेक्ट शो कर रहा है। इसके आपका केस में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। जो आप यूज कर रहे हैं, जो नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट है आपका डिवाइस, उसी एडाप्टर आप इधर होना चाहिए। तो आपका मैं यूज कर रहा हूँ, सपोज वो मैं रियलटेक पीसीआई यूज करूंगा, वो मेरा इनबिल्ट है, मैं इधर ओके कर दूंगा तो मेरा सिनेरियो पे इधर एरर थ्रो करेगा वर्चुअल मशीन। मेरा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मैं यूज कर रहा हूँ क्लाउड एरा सैंडविच, उसमें एरर थ्रो करेगा। तो मैं जो वाईफाई अडैप्टर यूज कर रहा हूँ रियलटेक वायरलेस, उसका ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद और क्या ऑप्शन है हमको देखना पड़ेगा। उसमें अडेप्टर टाइप तो इधर बाय डिफॉल्ट डिजेबल ही रहेगा, एनेबल नहीं कर पाओगे आप। इधर बेसिकली डिनाई रहता है, कोई भी ऑप्शन शो करने तो अलाउ वीएम्स होता है, तो आप क्या करोगे डैट अलाउ ऑल कर दोगे। वो सिनेरियो पे आपको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं होना चाहिए, ऑल कर दोगे, ऑल होना चाहिए इधर। उसके बाद आपको ऑन टिक हो सकता है, बॉस किसी किसी का टिक हो सकता है, ऑन टिक होगा तो उसको कनेक्ट केबल कनेक्ट टिक कर लीजिए, उसके बाद आप ओके कर लीजिए। एंड इफ यू आर रिक्वायर अडेप्टर ऑप्शन टू, ओके इफ यू रिक्वायर, इफ नॉट डोंट रिक्वायर नॉट एन इश्यू, इफ यू रिक्वायर देन यू कैन अडेप्टर टू में भी ऐसा कर सकते हैं आप। नेटवर्क ब्रिज करेंगे, ब्रिज अडेप्टर सेटिंग करेंगे, उसके बाद आपका जो है एक्सटर्नल ऑप्शनल दे सकते हैं, नहीं तो आप उसके उस अडेप्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं एडवांस में। इधर अलाउ ऑल कर लीजिए, सेम फॉलो करना पड़ेगा, कनेक्ट केबल को ओके कर लीजिए, डेफिनेटली उसके बाद आपका इशू रिजल्व हो जाएगा। उसके बाद एक बार आपका वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर लीजिए, जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर रहे हैं उसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आपका इशू रिजल्व हो जाएगा। एंड ऑन दिस सिनेरियो और डिफरेंट ऑप्शन में बता देता हूँ। मेरा सिनेरियो पे तो मैं सपोज मैं क्लाउड एरा यूज कर रहा हूँ, क्लाउड एरा में क्या हो सकता है, इधर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है, नहीं तो उधर मेरा क्लाउड एरा पे क्या एक मैं बेसिकली मेजर इशू फेस करता हूँ, इधर एनेबल करना पड़ता है मुझे। आपका सिनेरियो पे आप क्लाउड एरा नहीं यूज कर रहे हो तो आपको इधर यूज कर रहे हो तो ऐसा इशू हो रहा है, तो आप वो जरूर ऑप्शन चेक कर लीजिए, उसको एनेबल कर लीजिए। एंड सपोज आप दूसरा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सैंडोस 8 या 7, ऑन दिस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सपोज आप वो जो नेटवर्क अडेप्टर है वो बेसिकली कनेक्ट होगा, सपोज कनेक्ट नहीं होगा, कुछ एरर आएगा तो आप जरूर उसको चेक कर लीजिए सेटिंग में जाके,
यू नो, तो आप डायरेक्ट इधर भी जा सकते हैं। ओके छठी में जाके सेम 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 सिनेरियो आएगा, सेम आपको पेज ओपन होगा, तो उधर जाके मिलेगा जो ऑप्शन, उधर भी जाके वही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पहले चेक कर लीजिए, सपोज इधर ऑफ होगा उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ऑन कर लीजिए, मेरा कनेक्टेड शो कर रहा है। एंड इधर सेटिंग में जाके आप क्या करोगे, कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लीजिए, नहीं तो नहीं करने से भी चलेगा। बट आइडेंटिफिकेशन में जो IPv4 है आपका, IPv4 में आपका DHCP ऑटोमेटिकली इधर होना चाहिए, इफ यू आर यूजिंग एनी वाईफाई, इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफिस नेटवर्क। ओके, उससे मैटर पे आपको DHCP होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस का बेसिकली DHCP एनेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली IP मिलेगा। तो मैनुअली इधर आप करेंगे तो आपको फिर मैनुअली IP देना पड़ेगा, IP एड्रेस देना पड़ेगा, इधर नेटमास्क गेटवे देना पड़ेगा, सबनेट मास्क गेटवे देना पड़ेगा, एंड DNS आपको देना पड़ेगा। आप सपोज ऑटोमेटिकली करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली DHCP थ्रू के, आप वाईफाई के थ्रू ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा। आप DNS भी इधर ऑन कर लीजिए, राउट्स भी ऑन कर लीजिए, तो आपको उस सिनेरियो पे ऑन करने के बाद आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली IP मिलेगा, एंड वो चलेगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा सक्सेसफुली। उसके बाद जरूर अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आप इधर कनेक्ट शो करेगा। कनेक्ट शो करने के बाद, सेटिंग चेंजेस करने के बाद एक बार रिस्टार्ट सिस्टम कर दीजिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में रिस्टार्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं होता है उसको। और रिस्टार्ट सिस्टम करने के बाद, रिस्टार्ट कर देंगे तो, ऐसे रिस्टार्ट कर देंगे तो सिस्टम आपका पूरा सेटिंग जो भी है बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद आप टर्मिनल ओपन करके देखेंगे, आपका जरूर गूगल पिंग होगा एंड कनेक्ट होगा, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही फेस किया हूँ, मैं ऐसे करके ही रिजल्व किया हूँ। बेसिकली मैं जो बताया आपको थर्ड पॉइंट, बेसिकली वही थर्ड पॉइंट का इशू हो सकता है, आप वो टॉपिक में देख लीजिए, डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली विल इट विल बी गेट फिक्स। तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, विल मीट यू नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट सेशन। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी IT रिलेटेड क्वेरी है, जो भी आपका कुछ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, विंडोज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इशू फेस कर रहे हैं एक्सपीएल रिलेटेड, एंड जो भी बेसिक ट्रबल शूटिंग, जो भी बेसिक इश्यूज फेस कर रहे हैं सिस्टम रिलेटेड, मुझे पिंग कर लीजिए, ड्रॉप मी कमेंट्स, डेफिनेटली आई विल रीच आउट टू यू, डेफिनेटली आई विल ट्राइंग टू हेल्प यू, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ।